गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपके लिए बताया कि पिछली क्लास में हमने वाद्य यंत्र जो टॉपिक है वो समाप्त किया था। चारों प्रकार के जो वाद्य यंत्र थे वो कंप्लीट किए थे। अब जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, लोक नृत्य, यानी कि राजस्थान के अंदर हर जगह जगह पर कौन कौन से लोक नृत्य देखने के लिए मिलते हैं, तो उसकी चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारी जो जनजाति हैं उनके अलग नृत्य हैं, जैसे मारवाड़ का अलग नृत्य है, भरतपुर का, जालौर का, तो यानी कि राजस्थान में जो क्या है, जगह जगह पर कुछ अलग अलग नाम से जो नृत्य हैं वो किए जाते हैं, तो उनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो यही है कि राजस्थान का जो लोक नृत्य हैं, आपसे पूछ ली जाए कि राजस्थान का जो राजकीय लोक नृत्य कौन सा है, यानी राजस्थान का राज, तो आपको जवाब देना है घूमर। घूमर में घूमर ही को क्या कहते हैं, नृत्यों सिरमौर भी इसे घूमर को कहा जाता है, और राजस्थान की जो आत्मा है इसी घूमर को कहा जाता है, और घूमर में यानी कि जो महिला हैं इस नृत्य को करती हैं घूमर को, और इसमें क्या होता है कि हाथों का, यानी महिलाएं जो हाथों का संचलन करती हैं, और संचलन करती हैं तो उसके 8 स्टेप होते हैं, 8 चरण होते हैं, तो उन 8 स्टेपों को हम सवाई के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछ ली जाए कि राजस्थान का राजकीय लोक नृत्य के अनुसार नृत्य कौन सा है आपका, तो उत्तर देना है घूमर। एक पूछ लिया जाए आपसे कि राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो शास्त्रीय नृत्य कथक। आपसे पूछ लिया जाए कि जयपुर घराने का संबंध किस नृत्य से, तो आपको जवाब देना है कथक नृत्य से। अगर आपसे पूछा है कि इनके जो जो नृत्यकार हैं कौन हैं इसके, तो भानु जी, यानी राजस्थान नगर जयपुर में, जयपुर घराने में, यानी ये प्राचीन घराना है कथक नृत्य का, तो उसके जो नृत्यकार हैं वो आपके कौन से हैं, भानु जी के नाम से। एक लखनऊ में भी एक लखनऊ घराना नाम से है जो कथक डांस करते हैं, यानी कथक नृत्य करते हैं, वहाँ पर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इसको करते हैं। तो आपसे यानी दो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है तो ये है आपके कि राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आपको आंसर देना है कथक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है, तो आपको जवाब देना घूमर। उसके बाद में जैसे आपसे यही पूछ लिया है कि मैंने इससे पहले बताया था कि राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र कौन सा है, तो अलगोजा बताया था मैंने आपसे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का लोकगीत या लोकगान कौन सा है, तो केसरिया बालम के नाम से है। तो ऐसे ही यानी राजस्थान के जो राजकीय नृत्य हैं शास्त्रीय, इनके बारे में। इसके बाद में आगे चलते हैं, जैसे कि मान के चलो एक है बम नृत्य। आपसे पूछा जाए कि बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो अलवर भरतपुर यानी मेवात जो क्षेत्र हमारा है, अलवर भरतपुर, वहाँ पर बम नृत्य किया जाता है। और जो बम नृत्य है इसके साथ में यानी रसिया भी गाए जाते हैं, तो इसके अगर आपसे पूछ लिया कि बम रसिया कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो यही है, यानी कि भरतपुर और अलवर के अंदर। इसमें क्या है कि 3 जो आदमी होते हैं, यानी इसमें जो नाचने वाले वो अलग होते हैं, वादक यानी ढोल बजाने वाले अलग होते हैं, और गाने वाले रसिया अलग होती हैं। तो कुल मिलाकर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि ये जो है बम नृत्य ये किसका है, तो यानी ये मेल का है, यानी कि पुरुषों का नृत्य है बम नृत्य। इसके बाद में आपसे पूछ जा रहा है कि गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावाटी का, और शेखावाटी है वो होली के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है, और इसको भी जो है पुरुष करते हैं इसको, लेकिन पुरुष में भी क्या करते हैं कि महिला का रूप धारण करके इस गीदड़ नृत्य को किया जाता है, जिसे मेहरी कहते हैं, गनगौरी भी कह सकते हैं इसको। तो यानी कि कुल मिला के ये है कि जो गीदड़ नृत्य है इसमें क्या है कि अलग अलग टाइप के भेष बदल के हम कहते हैं, तो उसे एक स्वांग के नाम से भी जान सकते हैं। तो आपसे पूछ लिया है कि स्वांग किस लोक नृत्य में आता है, तो वह गीदड़ नृत्य में आता है, जो शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। उसके बाद में आता है कच्ची घोड़ी। देखो ये मैंने लगातार लिखवा दिया आपके लिए, कच्ची घोड़ी, भवाई और तेरताली। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर व्यावसायिक नृत्य कौन कौन से हैं, तो ये 3 व्यावसायिक नृत्य हैं, कच्ची घोड़ी, भवाई और तेलताली। जैसे कच्ची घोड़ी आपको बताया कि ये जो कच्ची घोड़ी शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोग, इसमें क्या है कि जैसे नकली घोड़ी बना देते हैं लकड़ी की, और उसको मतलब ये है कि जो पुरुष हैं वो ऐसे बांध के और उसको डांस करते हैं, तो हाथ में तलवार भी लेते हैं, तो यानी एक प्रकार से जैसे दूल्हे का भेष भर के इसको कच्ची घोड़ी का नृत्य किया जाता है विवाह के अवसर पर। और आपसे पूछ ले जाए कि ये जो है जैसे एक इस प्रकार से करते हैं कि ये जो फूल होता है, फूल का यानी मुरझाना या खिलना, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो इसी नृत्य में होती हैं, यानी कच्ची घोड़ी में,
होती हैं। उसके बाद में जैसे आपसे पूछ ले जाए, अगला आएगा भवाई नृत्य। भवाई नृत्य यानी ये कहाँ का प्रसिद्ध है कि उदयपुर जो संभाग है वहाँ पर भवाई नृत्य है, यानी जो उदयपुर संभाग के अंदर जो गुजरात वाला जो एरिया है, जो सीमावर्ती क्षेत्र है गुजरात का, तो वहाँ का ये नृत्य है। तो उसमें क्या है कि इसमें कर्तव्य दिखाए जाते हैं, कई प्रकार के कर्तव्य हैं, जैसे कि मान के चलो कि मुंह से रूमाल उठाना, और जैसे कि मटके को सिर पर रख के यानी कई मटके रखकर वो कर्तव्य दिखाना। तो ये कर्तव्य वाला जो नृत्य है वो यही है भवाई नृत्य। जैसे कि एक अस्मिता काला एक लेडीज थी, अस्मिता काला, यानी इन्होंने क्या किया था, जयपुर की थी, इन्होंने 111 मटके अपने सिर पर रख के यानी विश्व रिकॉर्ड बना रखा है, यानी जो लिम्बा बुक रिकॉर्ड में दर्ज है इनका नाम अस्मिता काला का, यानी 111 जो मटके हैं वो सिर पर रख के और नृत्य किया था। अगर आपसे पूछ लिया है कि इनका जनक कौन है यानी भवाई नृत्य का, तो नागोजी के नाम से जाने जाते हैं, और ये अजमेर के हैं नागोजी। उसके बाद में अन्य भी जैसे इसमें नृत्यकार और भी हैं, जैसे कि रूप सिंह है, तारा शर्मा, दयाराम शर्मा। अगर आपसे पूछ लिया है कि रूप सिंह, तारा शर्मा और दयाराम शर्मा का संबंध किस लोक नृत्य से, तो भवाई नृत्य से। अगला जैसे व्यावसायिक नृत्य है तेरेताली। ये तेरेताली सबसे पहले पूछा जाए कि कौन से पंथ की महिलाएं करती हैं इसे, तो आपको जवाब देना कांवड़िया पंथ की। कहाँ पर होता है, तो रामदेव जी का जो मेला लगता है रूणेचा जैसलमेर, वहाँ पर ये ज़्यादातर प्रचलित है, और ये एकमात्र ऐसा है जो इस महिलाएं इसको बैठकर करती हैं इस नृत्य को। उसके बाद में ये तेरे नाम क्यों पड़ा इसका, क्यों तेरे मजीरे होते हैं इसमें, यानी नौ तो होते हैं पैर में, दो कोनी पर, दो हाथ में, यानी तेरे जो हैं मजीरे होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा तेरेताली नृत्य। तेरेताली जो नृत्य है इसके साथ में वाद्यंत्र भी बजाए जाते हैं, जैसे रावड़ हत्ता है, चौतारा है। तो उसमें जैसे एक लक्ष्मण दास भी हैं, वो क्या है वाद्यंत्र बजाते हैं उसी दौरान। कब ये, जब तेरेताली जब नृत्य किया जाता है, जब महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। उसके बाद में जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए तेरेताली जो नृत्य है ये जो है, ये नृत्य का जन्म कौन से जगह से है, तो ये पारदला पाली में एक स्थान है, वहाँ पर इसका जो नृत्य का जन्म माना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो तेरेताली है नृत्य, इसकी प्रसिद्ध नृत्यंगा कौन है, तो मांगीबाई ने 1954 ईस्वी में क्या किया था कि जवाहरलाल नेहरू थे उसके सामने अपना नृत्य प्रस्तुत किया था 1954 में। इसके बाद उसने क्या किया कि 1990 के अंदर संघ एकेडमी है जोधपुर के अंदर, इसी द्वारा इसको पुरस्कार के दिया गया था मांगीबाई। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मांगीबाई का संबंध किस है, तो आपको जवाब देना है तेरेताली नृत्य से। तो ये थे आपके। इसके बाद जैसे कि अगला आएगा जैसे अग्नि नृत्य, तो सबसे पहले अग्नि नृत्य पे वही क्वेश्चन बनता है कि अग्नि नृत्य जो है जो कौन से संप्रदाय के लोग करते हैं, तो जसनाती। कहाँ पे, तो कतरियासठ बीकानेर में जो जसनाती संप्रदाय है वो है ये अग्नि नृत्य करते हैं, और अग्नि में यानी कूदते हैं, जैसे अगारे जलते हुए अगारों पर कूदते हैं। तो ये पुरुष जो हैं इस नृत्य को करते हैं। अगर आपसे पूछ ले जाए जैसे वहाँ पर जो अंगारे वगैरह होते हैं जो बड़े तौर पर होते हैं, तो धूणी यानी धूणा भी कहते हैं उसे, और जैसे नाचते रहते हैं तो फतेह 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 ऐसे ये बोलते रहते हैं। तो आग और फाग के नाम से भी इसी नृत्य को जानता है, क्योंकि फाल्गुन के महीने में किया जाता है ना, तो आग और फाग के नाम से भी इसी नृत्य को जाना जाता है। तो जैसे वो इन पर नाचते हैं, तो एक प्रकार से मतीरे फोड़ना भी इसी नृत्य को कहते हैं। इस नृत्य के जो अनुयायी हैं ये ज़्यादातर जाल के वृक्ष ज़्यादा लगाते हैं या पूछते हैं, जाल वाले वृक्ष है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस अग्नि नृत्य का प्रोत्साहन किस राजा ने दिया था, तो आपको आंसर देना है गंगा सिंह ने इसको प्रोत्साहन दिया था। अगला नृत्य जैसे कि घुड़ला। घुड़ला नृत्य क्या है कि जैसे घुड़ले खान सूबेदार था अजमेर का, तो उसने क्या किया था कि 140 लड़कियों को किडनैप कर लिया था उसने। तब क्या हुआ, उस टाइम पर जोधपुर के शासक थे राव जैसल, उनको ये बात पता चली कि उसने कैद कर लिया, तो वो क्या है युद्ध करने के लिए गए वहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, उसको मतलब ये कि 140 लड़की थी उनको उससे यानी घुड़ले कान से उनको छुड़ाया, और छुड़ाने के बाद में वो यानी उनकी गर्दन को काट लाया था, ऐसा माना जाता है कि गर्दन को काट उनको लड़कियों के लिए वो दे दी गई लो। उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी जो है एक लड़की थी घुड़ले खान की,
गिंदौली नाम की लड़की थी, तो उसने ये नृत्य शुरू करवाया। तो उस नृत्य में क्या करते हैं, जैसे कोई मटका होता है उसमें छिद्र हुआ होते हैं, छिद्र मटके का, तो उस मटके में क्या है, जलता हुआ दीपक रखते हैं, तो उसमें से रोशनी निकलती है, तब वो लड़कियाँ उसमें क्या है, उसके चारों ओर नृत्य करती हैं। तो इस नृत्य को कहा जाता है घुड़ला। तो आपसे पूछ लिया जाए कि छिद्रित मटके से जो नृत्य किया जाता है रखकर, तो उसे क्या कहते हैं, घुड़ला। उसके बाद में जहाँ जो मेला लगता है इसका, जो तो चैत्र कृष्ण अष्टमी से यानी शीतलाष्टमी से चैत्र कृष्ण तृतीया यानी गणगौर तक इसका जो है नृत्य होता है। यहाँ पर अगर इसका आपसे पूछ लिया जाए कि इसको संरक्षण किसने दिया घुड़ला नृत्य का, तो एक तो आता है मणिशंकर गांगुली नाम से आते हैं, और उसके बाद आती है कमल कोठारी। कमल कोठारी ने इसके लिए क्या किया था कि रूपान संस्थान बोरुंदा जोधपुर का निर्माण करवाया, तो इस जो घुड़ला नृत्य है इसको संरक्षण मिला इसके तौर पर। उसके बाद में एक जो देवीलाल हैं, उन्होंने एक जो भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना करी जो कि उदयपुर में है, और यहाँ पर जो ये उदयपुर में जो ये भारतीय लोक कला मंडल है, इसने भी इसको संरक्षण दिया घुड़ला नृत्य को, यानी दोनों संस्थान ने लिया। वैसे जो है ये भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर जो है, ये कठपुतलियों के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। यानी आपसे पूछ लिया है कि पूरे राजस्थान में जो कठपुतलियों का नृत्य है वो ज़्यादातर यहीं देखने को मिलता है, राज भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में, जो कि देवीलाल ने इनका स्थापना की थी। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है संस्थान, यानी रूपान संस्थान बोरुंदा जोधपुर, जिसका जो है कमल कोठारी, और भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, जो रिलेटेड है देवीलाल से। उसके बाद में आता है अगला ढोल नृत्य। तो ढोल यानी जालौर में जो नृत्य होता है उसे ढोल नृत्य कहते हैं, यानी जो पुरुष हैं वो इस नृत्य को करते हैं, और कई जाति भी करती हैं उसमें, जैसे कि ढोली, माली, सरगड़ा, भील, और ज़्यादातर विवाह के अवसर पर ये ढोल वगैरह बजते हैं, तो आपको यही ध्यान रखना है। उसके बाद में जैसे एक पूछ लिया जाए उसकी ढोल बजाने की जो कला है उसको क्या कह जाते हैं, तो ठाकना, ऐसे ठाकना कहते हैं। और जब बजाते हैं ढोल तो इसमें जैसे जो नाचते हैं उसमें तलवार भी होती है, रूमाल भी हाथ में होते हैं, डंडे भी होते हैं, तो इस प्रकार ढोल में कई प्रकार के जो आइटम हैं वो हाथ में रहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया कि ढोल नृत्य का जो है प्रोत्साहन किसने दिया, तो जय नारायण व्यास, यानी जो जोधपुर के थे जय नारायण व्यास, उन्होंने इनको प्रोत्साहन दिया ढोल नृत्य को। उसके बाद में आपसे यही पूछ लिया कि सबसे पहले ढोल किसने बजाया, तो सबसे पहले जो ढोल बजाया वो खीम सिंह राठौर। आपको एक जवाब देना है कि सबसे पहले जो ढोल है किसने बजाया, तो खीम सिंह राठौर ने बजाया। उसके बाद जैसे अगला है चरी नृत्य। तो चरी से आपको जो गुर्जर महिलाएँ वैसे ये वो करती हैं, और किशनगढ़ अजमेर में ये नृत्य होता है। अगर आपसे पूछ लिया है कि गुर्जर महिलाओं के दो ही नृत्य हैं, एक तो है चरी नृत्य और एक है झूमर, तो ये गुर्जर महिलाओं के दो नृत्य हैं। इसमें भी ये जैसे क्या होता है, जैसे घुड़ला में तो मटके में दीपक जलते थे, यहाँ पर क्या है कि कांसे की चरी में कपास के जो बीज हैं रख के और जो लपटे वगैरह निकलती हैं, तब ये चरी नृत्य गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है। आपसे केवल इसमें इम्पोर्टेंट यही कि आपसे पूछ ला कि फलकूबाई का संबंध किससे है, तो चरी नृत्य से फलकूबाई का संबंध। और इसको नृत्य को यानी आगे पहुंचाने के लिए कई उन्होंने काम किए, जैसे गोवर्धन कर्मर है, उसने घूमर एकेडमी का निर्माण करवाया गोवर्धन कमर। और भी हैं जैसे एक दो, जैसे मोहन सिंह गौड, आपसे पूछ ली जाए कि मोहन सिंह गौड और सुनीता रावत, इनका संबंध किस नृत्य से, तो आपको जवाब देना है चरी नृत्य से। तो मैंने आपके लिए बता दिया है कि अग्नि नृत्य, घुड़ला नृत्य, ढोल नृत्य, चरी नृत्य। उसके बाद में जैसे मैंने आपके लिए बताया राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, राजस्थान का राजकीय नृत्य घूमर, और शास्त्रीय कथक। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का वाद्य यंत्र कौन सा है राजकीय, तो अलगोजा। जैसा कि मैंने आज आपके लिए कई प्रकार के जो नृत्य हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं वो चीज़ बताई मैंने, और अगली जो क्लास है और भी नृत्य हैं उनकी चर्चा करेंगे। जैसे कि अभी जो है हमारे जनजातीय क्षेत्रों के अलग अलग नृत्य हैं, भीलों के नृत्य, ग्रासियों के, सहरियों के, इनके अलग हैं। तो अगली क्लास में हम ये टॉपिक पूरा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।